नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल MIM न्यूज एक्सप्रेस पर। यूपी में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर बुधवार को सीएम योगी ने संकल्प अभियान लॉन्च किया है। इसके तहत भाजपा अपने घोषणा पत्र के लिए लोगों से सुझाव मांग रही है। सीएम योगी ने इसके बारे में ट्वीट कर जब जनता से राय मांगी तो लोग उन्हें जमीनी हकीकत दिखाने लगे। हम आपको बता दें, गोरखपुर और फूलपुर के लोकसभा उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी भाजपा की हार के बाद अपनी सरकार के कामकाज की जमीनी हकीकत जानने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दौरे पर निकले। शुरुआत 23 अप्रैल से हुई जब मुख्यमंत्री प्रतापगढ़ शहर से 18 किलोमीटर दूर पट्टी तहसील के कंधई माधपुर गांव में रात गुजारने पहुंचे। योजनाओं की पोल ना खुल जाए इसलिए अफसरों ने मुख्यमंत्री की चौपाल में एक जनसभा सरीखी व्यवस्था की थी। मंच के बाद डी बनाया गया था ताकि कोई भी व्यक्ति योगी आदित्यनाथ तक ना पहुंच सके। शाम करीब 7 बजे गांव पहुंचते ही मुख्यमंत्री जनता को मंच से दूर बैठा देख अफसरों पर नाराज हो गए। उन्होंने गांव वालों से सुरक्षा घेरा तोड़कर मंच के समीप बैठने को कहा। इसके बाद योगी जनता से घिर गए और चौपाल शुरू हुई। उन्होंने पूछा कितने लोगों को शौचालय मिला। चौपाल में आधे से ज्यादा लोगों ने हाथ उठाकर शौचालय ना मिलने की बात कही। इसके बाद सबने शौचालय और प्रधानमंत्री आवास योजना में रिश्वत मांगने की शिकायत करनी शुरू कर दी। गुस्साए योगी ने DM शंभू कुमार, CDO राज कमल यादव को मंच पर बुलाया और पूछा, इन लोगों को शौचालय क्यों नहीं मिला। अधिकारी बगले झांकने लगे। DM बोले, सर मैं दिखवाता हूँ। नाराज मुख्यमंत्री ने आदेश दिया, सुबह तक हर पात्र व्यक्ति के खाते में शौचालय बनाने के लिए 12,000 रुपए पहुँच जाने चाहिए। CM योगी ने ट्वीट कर कहा कि हमें उत्तर प्रदेश को देश का अग्रणी राज्य बनाना है, इस दृष्टि से आपके सुझाव हमारे संकल्प का आधार बनेंगे। उन्होंने कहा, हम आप सभी को आश्वस्त करते हैं कि भाजपा आपको बेहतर सुरक्षा का वातावरण देने के साथ ही प्रदेश को बेहतर विकास की ओर उन्मुख करेगी। CM के इसी ट्वीट पर सोशल मीडिया यूजर्स ने उन्हें जमीनी हकीकत बताकर पोल खोल दी। पिछले 5 साल के कामों से लेकर कई विकास कार्यों के वादे और दावों पर लोग इस ट्वीट पर कमेंट करने लगे। रोहित कुमार मीणा @Rohit6866 ने लिखा, डर क्यों रहे हो, डर किस बात का, पिछले 5 साल में कोई अच्छा काम किया हो तो बताओ। ट्विटर यूजर अमित @AapkaAmit ने CM योगी के इस ट्वीट पर रिप्लाई करते हुए लिखा, सुझाव पर सुझाव दिए गए पर कोई सुने तब तो, बलिया में मेडिकल कॉलेज एवं कोई उद्योगिक इकाई क्यों नहीं लगी अभी तक, बलिया छपरा रोड क्यों जर्जर अवस्था में है, बलिया नगर पालिका व जिला चिकित्सालय कब तक करप्शन का डाव बना रहेगा, स्थानीय मुद्दों को कब्र से कब निकाला जाएगा। एक अन्य यूजर मोहित कुमार @Mohit4614509 ने रोजगार के मुद्दे पर ट्वीट करते हुए कहा, रोजी छीन लेना कैसा काम है महाराज, जल निगम 2017 बैच के सभी निर्दोष कर्मचारियों की कोरोना महामारी के भीषण काल में रातों रात सिर्फ राजनीतिक द्वेष के मद में चूर होकर नौकरी छीनने वाला आज पाप पुण्य पर ज्ञान दे रहा है, लानत है। सैफ अली अंसारी @Saif9905589 ने यूपी में भारतीय प्रतिक्रिया में धांधली की ओर ध्यान दिलाते हुए ट्वीट कर कहा, उत्तर प्रदेश दरोगा भर्ती में धांधली चरम पर है, आज का ट्रेंड देख लें आप श्रीमान, नहीं चाहिए हमको मेरिट वाली सरकार, पुलिस का सपना BJP ने ही पूरा किया मगर अब सहन नहीं होता बाबा, जिस आपके सरकार में नकल पेपर लीक, ऐसा कब तक बच्चे उम्मीद से ना उम्मीद होते जा रहे हैं। सैफ ने आगे लिखा, BJP सरकार में मैं कहूंगा कि एक भी भर्ती पारदर्शिता से नहीं हुई, सभी में खुलेआम नकल हुई, और आगे ये भी बताता चलूं कि जिस भर्ती की आप दुहाई देते हैं 1,00,000 पुलिस, उसमें ऐसी धांधली की गई कि कैंडिडेट को नंबर तक नहीं दिखाए गए। यूजर अजीत कुमार यादव @Ajit0724267 ने CM के इसी ट्वीट पर रिप्लाई करते हुए लिखा, महाराज आपने तो पहले से ही प्रदेश को नंबर 1 बना रखा है, 3 महीनों से इसका प्रचार प्रसार भी कर रहे हो, फ्लस्ट फेस फिर ये सब तमाशा क्यों? बता दें कि अगले साल यानी कि 2022 में यूपी में विधानसभा चुनाव होने हैं। BJP ने जहां फिर से CM योगी पर भरोसा जताया है, वहीं सपा की ओर से पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव, बसपा की ओर से मायावती मुख्य विपक्षी चेहरा है, जबकि कांग्रेस ने प्रियंका गांधी को यूपी की कमान सौंपी है। इस खबर पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट करके जरूर बताएगा। इसके साथ ही ऐसी और भी खबरें पाने के लिए जुड़े रहिए MIM न्यूज एक्सप्रेस के साथ।